एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल. इट्स अनदर व्लॉग एंड आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे. आज के वीडियो में मैं शेयर कर रही हूँ फ्यू गुड रेसिपीज. मेरे घर में आज गेस्ट आने वाले हैं. लाइक लॉकडाउन में कोई नहीं आया है घर में, बट अभी लास्ट वीक ही हम लोग उनके घर खाने गए थे, तो मैं आज उनको इन्वाइट की हूँ मेरे घर में. तो मेरे हस्बैंड बना रहे हैं मटन एंड मैं बनाऊंगी वेज में थोड़ा सा वगैरह बैंगन, जो हैदराबादी स्टाइल में होता है वो. और जो बैंगन मैं बनाऊंगी ना, तो मेरी फ्रेंड ही दी थी लास्ट टाइम, तो मैं सोची उसको बनाती हूँ. एंड और फ्यू रेसिपीज मैं आप लोग से शेयर करूँगी एंड आई होप आप लोग एंजॉय करेंगे आज का ये व्लॉग. चलिए शुरू करते हैं आज का लंच. लंच में आज बन रहा है, जैसे कि स्टार्टर में है, चिकन टिक्का एंड श्रिम्प टिक्का. तो रात को ही मेरे हस्बैंड मैरिनेट कर लिए थे. इसको मैरिनेट करने के लिए हम लोग को लेना है हल्दा ही, उसमें हम लोग ऐड करना है थोड़ा सा ऑयल, लेमन, हाफ लेमन, जिंजर गार्लिक पेस्ट, ऑनियन ऐड करना है, हल्दी ऐड करना है, ब्लैक पेपर, और फिर हम लोग इसमें चिकन ऐड कर देंगे. आप चाहे तो थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर अभी ऐड कर सकते हैं, बट हम लोग बाद में ऐड करेंगे. दोनों का ही सेम ही है जो मैरिनेशन का इन्ग्रीडियंट्स. अभी क्या करेंगे, हल्का सा गर्म मसाला ऐड करेंगे, रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे, और फिर हम उसमें हल्का सा रेड कलर ऐड करेंगे ताकि जो दिखे ना वो बहुत ही अच्छा लगता है. अच्छा दिखने से अच्छा लगता है खाने के लिए. और ये हो गया, हम लोग रात भर मैरिनेट करके रख देंगे. और नेक्स्ट मटन बनाने के लिए हम लोग को चाहिए गरम मसाला, मीट मसाला, जीरा, धनिया पाउडर एंड हल्का सा ब्लैक पेपर, ऑनियन चॉप किया गया है 2 ऑनियन. अभी थोड़ा सा हम लोग मटन को मैरिनेट कर लेंगे हल्दी, नमक एंड हल्का सा ऑयल से. अभी मटन बनाने के लिए हम लोग मस्टर्ड ऑयल लेंगे. मस्टर्ड ऑयल से बहुत ही अच्छा बनता है. और फिर हम लोग उसमें ऐड कर लेंगे होल गरम मसाला जितना भी हम लोग लिए थे. और अभी ऑनियन ऐड कर देंगे और इसको हम लोग फ्राई करेंगे टिल जो ऑनियन है थोड़ा सा ब्राउन कलर ना हो जाए. ये मटन बन रहा है और ये है देवांश का ब्रेकफास्ट के लिए मैं बना रही हूँ मीठा वाला सूजी का खीर थोड़ा सा. ऑनियन देखिए अभी अच्छे से फ्राई हो गया है, तो हम लोग अभी क्या करेंगे, जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर लेंगे. 4 to 5 स्पून ऑफ जिंजर गार्लिक पेस्ट आपके क्वांटिटी के हिसाब से, मटन के क्वांटिटी के हिसाब से. और इसको हम लोग अभी अच्छे से कुक करेंगे टिल इसका जो रॉ स्मेल है वो चला ना जाए. एंड देन हम लोग जितना भी ड्राई मसाला है, जैसे कि मीट मसाला, गरम मसाला, हल्का सा धनिया पाउडर, जीरा पाउडर एंड ब्लैक पेपर डालेंगे और उसको हम लोग कुक करेंगे. और ये देखिए हम लोग का जो ड्राई मसाला भी है ना, बहुत ही अच्छे से कुक हो गया है, उसका कलर आप लोग देख सकते हैं. और फिर हम लोग अभी मटन ऐड कर देंगे. और अभी टाइम होता है कुकिंग करने का अनदर 45 मिनट्स to 1 आवर चलता है. आप इसको ऐसे ही कुक करते रहिएगा आपके टाइम के हिसाब से. आप जितना मटन ऐसे ही कुक करेंगे ना, उतना ही ज़्यादा टेस्टी बनता है. और फिर हम लोग इसको थोड़ा सा ढक के भी कुक करेंगे. और ये देखिए पूरा अच्छे से मटन कुक हो गया है. इसी स्टेज में आप खा सकते हैं, इतना ही अच्छे से बनना चाहिए, कुक होना चाहिए. और फिर क्या करेंगे, हम लोग पोटैटो ऐड कर देंगे. पोटैटो इज़ वेरी ऑप्शनल, हम लोग के यहाँ पे ऐड किया जाता है तो हम लोग ऐड कर दिए, आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं. अभी हम लोग पानी ऐड कर देंगे. बहुत ही ज़्यादा हम लोग ग्रेवी नहीं बनाएंगे, तो हल्का सा पानी ऐड करेंगे. और अभी 4 सीटी लगा लेंगे और हल्का सा हम लोग धनिया पत्ता ऐड कर देंगे. ये हम लोग का बन गया मटन. अभी बनाते हैं बघारा बैंगन. इसके लिए मैं ऐसे छोटा वाला बैंगन ली हूँ, उसको 4 हाफ में कट कर दी हूँ. पूरा कट नहीं करना है, उसके अंदर हम लोग अभी मसाला ऐड करेंगे. इसमें क्या है, थोड़ा सा नमक है, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, आप चाहें तो थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर भी ऐड कर सकते हैं. ये बहुत लोग करते नहीं हैं, बट मुझे अच्छा नहीं लगता उसका टेस्ट, तो मैं ऐड की हूँ. अभी कढ़ाई में हल्का सा ऑयल लेंगे और अभी इसको हम लोग फ्राई कर लेंगे. हल्का सा ढक के कीजिएगा ताकि ना बैंगन जो है ना अच्छे से कुक हो जाए. अभी सेम कढ़ाई में ही मैं हल्का सा मस्टर्ड चीज़ दी, तेज पत्ता और थोड़ा सा कड़ी पत्ता. और अभी क्या करेंगे, मैं हाफ ऑनियन को ग्राइंड कर ली हूँ. अभी इसको हम लोग फ्राई करेंगे. और एक जगह पे मैं ली हूँ पीनट्स, धनिया, जीरा, होल धनिया, जीरा, सेसम सीड्स, पॉपी सीड्स एंड हल्का सा मेथी ली हूँ. अभी ऐसे इसको फ्राई कर लेंगे ऑयल में. मैं हल्का सा, मेरे पास फ्रोजन कोकोनट था तो उसको भी ऐड कर दी हूँ. और उसको अभी फ्राई करेंगे. और एक साइड हम लोग का ऑनियन भी फ्राई हो गया है, तो हम लोग अभी जिंजर गार्लिक, मैं थोड़ा सा क्रस्ट वाला ही दे दी हूँ, ग्रेटेड वाला, आप चाहे तो पेस्ट भी दे सकते हैं. और ये देखिए हम लोग का जो कोकोनट वाला था वो रेडी हो गया है, तो मैं निकाल लिया और एक प्लेट में.
और एक जगह पे मैं टमाटो प्यूरी बनाई थी, एक बड़ा सा टमाटो का, तो मैं उसको ऐड करती हूँ। अभी इसको हम लोग ग्राइंड कर लेंगे और ये देखिए अच्छा सा एक स्मूथ पेस्ट बन गया है। और अभी मटन बन रहा है ऑलमोस्ट, मेरा वगैरह बैंगन भर रहा है। कितना सेटी मारो? और यहाँ पे बना है चिकन का क्या नाम था ना, चिकन टिक्का कबाब। चिकन टिक्का कबाब, और यहाँ पे है श्रीम, और यहाँ पे है देवांश के लिए थोड़ा सा, इसका इतना छोटा सा स्टिक में जाएगा। ये है देवांश। सो हाय टू एवरीवन। हाय 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 टू एवरीवन। अभी क्या करेंगे, मेरे हस्बैंड थोड़ा सा जो मैरिनेट किया गया था चिकन और श्रिम्प को अभी स्टिक में लगा दे रहे हैं ताकि हम लोग उसको ओवन में बेक कर सकते हैं। मैं आपको एक साथ एक ही रेसिपी दिखा रही हूँ ताकि आपको समझ में आए रेसिपी क्या है। अभी जो बेकिंग ट्रे है उसमें हम लोग ऐसे ही ऑयल लगा देंगे और हम लोग प्लेस कर देंगे हम लोग का जो चिकन एंड श्रिम्प है। और मटन बनने का टाइम ना काफ़ी रहता है तो आप उसके बीच में ही ना आप बहुत सारे रेसिपीज़ बना सकते हैं। तो हम लोग का ऐसे ही चल रहा था कि मटन उधर हो रहा है, मेरा बैंगन उधर हो रहा है, मसाला अच्छे से फ्राई हो रहा है, तो तब तक हम लोग का ये बना लिए। और ये देखिए हम लोग का टमाटो जो ऐड किए थे प्यूरी वो बहुत ही अच्छे से कुक हो गया है, तो अभी जो पेस्ट बनाए थे उसको हम लोग ऐड कर लेंगे। इसको हम लोग अगेन 5 to 10 minutes कुक करेंगे, तब तक इसका ऑयल जो है ना वो सेपरेट ना हो जाए। अभी हम लोग मसाला ऐड करेंगे, जैसे कि मैं हल्का सा नमक ऐड की, हल्का सा टैमरिंड पाउडर ऐड की एंड हल्का सा मैं धनिया पाउडर ऐड की हूँ एंड गरम मसाला हल्का सा, पानी ऐड कर देंगे। और अभी जैसे कि ग्रेवी में बॉयल आ जाएगा तो हम लोग बैंगन ऐड कर देंगे और अभी इसको अगेन 10 to 15 minutes कुक करेंगे एंड थोड़ा सा धनिया पत्ता ऐड कर देंगे। और ये हो गया हम लोग का बगारा बैंगन। ऑनियन जो था ना बहुत ज़्यादा तीखा होता है ना, एक एक जो आँख से पानी निकल रहा है, पता नहीं ऐसे रेड ऑनियन में हम लोग यूज करते हैं। और ये देखिए मटन बन गया और मेरा बगारा बैंगन भी बन गया है। और ये मैं बना रही हूँ डबल का मीठा, जो साइड टुकड़ा होता है वो बना रही हूँ, फट से बनेगा। मोस्टली आज ना मेरे घर में हैदराबाद स्टाइल का हो रहा है, मैं सोची हूँ बगारा राइस बनाते हैं। मेरी फ्रेंड थी हैदराबाद में टैंपा में ना, तो हमेशा वो जब भी हम लोग को बुलाती थी बगारा राइस विथ मटन एंड उसके साथ होगा वेज लोग के लिए ये जो बैंगन है एंड उसके साथ कुछ दही और नहीं तो सांभर, तो जैसे करके भी होता है सिंपल राइस होता भी है, तो मैं वैसे ही बना रही हूँ। सांभर नहीं बनाऊंगी बट सिंपल राइस, थोड़ा सा मैं दाल बनाऊँ, उनका एक छोटी सी बेटी है 9 months की है, तो थोड़ा सा राइस एंड दाल चढ़ा दूँगी और रायता एंड थोड़ा सा मिंट चटनी मैं बनाऊँगी जो हम लोग क्या बनाएंगे। ऑलरेडी ये ओवन के अंदर है श्रिम्प टिक्का एंड चिकन टिक्का, अच्छा लग रहा है, बारबेक्यू जैसे लग रहा है खाना सब। तो होप सब खाना अच्छा बनेगा। देवांश अभी नहाएगा और देवांश का क्या कर रहा है मैं आप लोग को दिखाती हूँ। और ये हम लोग का जो सोफा है ना उसका ऐसे निकल जाता है, ऐसे निकाल दिया है। देवांश पुट इट बैक, गेस्ट हाउस पे परे बगरा राइस बनाने के लिए मैं थोड़ा सा राइस को ना सोक कर रही हूँ। इसे मैं ऑनियन ना बाद में काट के दूंगी, अभी मैं खाली रायता दही देके रख दूंगी। टिक्का कबाब बनाना है उसके लिए मैं थोड़ा सा ग्रीन चटनी बना रही हूँ, तो इसके लिए मैं क्या कर रही हूँ, मेरे पास ये कोरिएंडर चटनी है और ये मिंट चटनी है, थोड़ा सा ब्लैक पेपर, सॉल्ट, हल्का सा दही हम लोग ऐड करेंगे। खाली
खाना जो बनाना ना मैं टोटली नहीं जानती थी टिल मैरिज. मेरे पापा ना मना कर देते, किचन तो जाना ही नहीं है, पढ़ाई का ही करना है. तो मैं किचन से कुछ नहीं जानती थी, मुझे टोटली कुकिंग नहीं आता था, इवन गैस भी लगाना नहीं आता था. फिर मैं यहाँ पे आई, मेरे हस्बैंड इज ही इज़ लाइक बिग फूडी और मैं भी बहुत फूडी हूँ. मुझे बहुत ही अच्छा लगता है खाना खाना और ट्राई करना बहुत जगह से. तो हम लोग जब यहाँ पे यूएस में आए ना, थोड़ा सा लिमिटेशन आ जाता है. आप ना बहुत कम रेस्टोरेंट होते हैं, इंडियन रेस्टोरेंट, और सबका खाना अच्छा नहीं लगता है. तो एक ही जगह पे जा जा के हम लोग बोर हो जाते थे. तो घर में ना मैं बनाना शुरू की. एंड तभी जब देवांश नहीं था, तीन साल थे पूरा हम लोग यहाँ पे सालट पे ही थे, तो ना मैं बहुत खाना बनाती थी. एवरी वीकेंड मेरे घर में लोग आते थे, खा के जाते थे. और ना तभी मुझे पता चला ना, मुझे लोगों को खिलाना बहुत पसंद है. ऐसे नहीं, मेरे फ्रेंड्स यहाँ पे हैं, वो लोग भी हम लोग को गिव एंड टेक प्रोसेस ही होता है, हम लोग खाना खाते हैं उनके घर भी जाते हैं. तो मेरे घर भी बहुत आया करते थे. और मैं और मेरे हस्बैंड क्या करते थे, जाते थे फिश लेके आते थे, फ्राई करते थे इतना इतना सारे फिश, और फिर ना बनाते थे ग्रेवी के साथ. लोग आते थे, मेरे फ्रेंड्स जो हैं वो लोग खा के जाते थे, तो मज़ा आता था. और अभी भी ना ये है ना कि मेरे घर में कोई गेस्ट आते ना तो मुझे अच्छा लगता है और मैं दिल से बनाती हूँ खाना जो होता है. और ये सब चीज़ ना मैं अपने घर से सीखी हूँ. एंड आफ्टर मैरिज मेरी सासू माँ भी वैसी ही है. मेरे सासू माँ के घर आप आओगे ना तो बिना खा के तो वो किसी को भेजती नहीं है और बहुत सारा खाना बनाती थी. बहुत कम टाइम मैं रही हूँ आफ्टर मैरिज मेरे ससुराल में, बट स्टिल यू नो मैं जानती हूँ मेरी सासू माँ को. और मेरे पापा तो घर में आते थे ना, लोग भले रात को 12-1 बजे आए ना, घर पूरा चिकन मंगवाते थे, कटवाते थे और ना खाना बनता था. और फिर लोग गेस्ट जो आते थे ना खा के जाते थे. स्पेशली मेरे जो रिलेटिव्स होते थे, मेरे नाना बुआ जो होते हैं, फूफा जी, वो लोग होते थे, मामा के घर से कोई आ रहा है, तो पूरा घर में ना 12 बजे भी खाना बनता था. और हम लोग देखते हैं बचपन से, वो देख के आए ना, तो अभी भी कोई आता है तो ना मन से खाना बनाते हैं. और कोई आ रहा है तो अच्छा, थोड़ा सा स्पेशल खाना बनाने से अच्छा लगता है. डे टू डे घर में तो अपने सा खाना बनता रहता है. बात कर गंजी वाला लड़का. अभी बनाते हैं बगारा राइस, अनदर हैदराबाद स्पेशल रेसिपी. इसके लिए मैं 2 स्पून ऑफ ऑयल ली हूँ, उसमें मैं 2 स्पून ऑफ घी ऐड करूँगी. अभी इसमें हम लोग गरम मसाला ऐड कर लेंगे, जैसे कि लौंग हो गया, ब्लैक पेपर, कार्डमम, जैसे बिरयानी में जाता है होल मसाला, ऐसे हम लोग ऐड कर देंगे. अभी हम लोग क्या करेंगे, उसमें हल्का सा मैं जीरा ऐड की और फिर लेंथ वाइज ऑनियन ऐसे कट की थी उसको ऐड कर देंगे. अभी ऑनियन को हल्का सा फ्राई करेंगे. और एक साइड में मैं क्या कर रही हूँ, शाही टुकड़ा और जो डबल का मीठा है वो बना रही हूँ. इसका रेसिपी मैं इंक्लूड नहीं की हूँ. अब मैं क्या हूँ, राइस को ना मैं सोक करके रख दी हूँ फ्रॉम लाइक लास्ट 30 मिनट्स. अभी ऑनियन हल्का सा फ्राई हो गया तो मैं थोड़ा सा जिंजर एंड गार्लिक का ग्रेटेड करके मैं ऐड कर दी. उसको अच्छे से हम लोग फ्राई करेंगे जब तक इसका रॉ स्मेल ना चला जाए. और फिर नमक और हम लोग जो राइस सोक करके रखे थे उसको ऐड कर देंगे. इसमें चाहिए होता है हल्का सा पुदीना और जो मिंट लीव और हल्का सा धनिया पत्ता. तो मेरे एक छोटा सा गार्डन से मैं लेके आ रही हूँ, मेरे पास नहीं था. हम लोग लाते ही नहीं है इंडियन स्टोर से, क्योंकि हम लोग के यहाँ पर यूज़ भी नहीं होता घर में इतना खाने में. अभी उसको मैं ऐड कर ली. और अभी पानी ऐड कर लेंगे. 1 कप राइस में 2 कप्स ऑफ पानी आपको ऐड करना है. और एक सीटी हम लोग लगाएंगे. और ये हम लोग का राइस बन के रेडी हो गया है. और ये देखिए हम लोग का चिकन टिक्का एंड श्रिम्प बन रहा है. और मैं ओवन को 400 डिग्री फारेनहाइट में प्री हीट की थी. दोनों का कुकिंग टाइम डिफरेंट है. श्रिम्प का फर्स्ट हम लोग 5 to 7 मिनट्स कुक करेंगे, बेक करेंगे, एंड फिर हम लोग उसको टर्न करके अनादर 5 मिनट्स हम लोग बेक करेंगे. चिकन का है फर्स्ट 15 to 20 मिनट्स हम लोग बेक करेंगे, फिर उसको टर्न करके अनादर 10 to 15 मिनट्स हम लोग कुक करेंगे. एट द एंड हम लोग हल्का सा बटर लगाएंगे एंड 1 मिनट के लिए हम लोग ब्रॉयल कर देंगे. एंड दैट्स इट, हम लोग का चिकन टिक्का और हम लोग का जो श्रिम्प है रेडी हो गया है. एंड
अदर साइड मेरा बघारा राइस भी बन के रेडी है, तो मैं उसको अभी निकाल दे रही हूँ एक जगह पे। योगा मटन, बघारा बैगन, प्लेन राइस, दाल और ये बघारा राइस, अमीन चटनी, रायता और अभी ऑलमोस्ट ये तो अभी मेरे फ्रेंड्स आए थे, खाना अच्छा बना था, मटन तो सबसे अच्छा बना था, उनको मटन बहुत ही अच्छा लगा एंड बाकी खाना भी ठीक ही बना था। और वो लोग गए, फिर हम लोग थोड़ा सा बाहर चले गए थे, कॉस्को जाना था, थोड़ा सा काम था और फिर हम लोग घर आ गए। तो ये हो गया आज का ब्लॉग, मैं सोची कि एंड कर देती हूँ यहाँ पे एंड आई होप आप लोग एंजॉय किए होंगे एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन माय नेक्स्ट वन, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।